हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रसाद नाइक। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंडिया। आज हम लोग स्टार्ट करें स्टैंडर्ड 10th का लेसन नंबर 2 इन ज्योमेट्री। द नेम ऑफ द लेसन इज पाइथागोरस थ्योरम। सो इन पाइथागोरस थ्योरम इट वाज देयर इन स्टैंडर्ड 8th आल्सो, स्टैंडर्ड 9th आल्सो। वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये लेसन में थोड़ा और आगे हम लोग और पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को आएगा पाइथागोरस ट्रिप्लेट करके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइथागोरस ट्रिप्लेट? अगर आपको तीन नंबर दिया रहेगा जैसे कि 3, 4 एंड 5, तो उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 3, 4 एंड 5 में से बड़ा नंबर है 5। तो हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर को स्क्वायर करेंगे। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बचा कौन सा? दो छोटे नंबर। तो दो छोटे नंबर कौन सा है? 3 एंड 4। जो 3 एंड 4 नंबर है ना, उसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। तो 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। सो 9 प्लस 16 इज ऑलमोस्ट 25। जो हमारा 5 स्क्वायर का आंसर आया था 25 करके। तो ये जो तीनों नंबर बन के क्या बन गया हमारा? पाइथागोरस ट्रिप्लेट। हियर ऑल्सो वी शुड डू, हम लोगों को यहाँ पे भी ए और बी डालना पड़ेगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab, दीज आर अवर पाइथागोरस ट्रिप्लेट। विल बी डूइंग इन प्रैक्टिस एट नंबर 2.1। और वैसे भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले थ्योरम से, जैसे कि सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन दैट सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दे आर टोल्ड यू अबाउट द थ्योरम। द थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, If the altitude is drawn on the hypotenuse, this altitude BD is drawn on where hypotenuse is what? AC. अगर हम लोग draw करते हैं, then the two triangles form will be similar to the original one. यानी जो triangle बन गए यहाँ पे, ये किसको similar रहेगा? बड़े triangle को, as well as they will be similar to each other. So we should write here given. गिवन में क्या दिया हुआ हम लोग को कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी में एबीसी का वैल्यू कितना है? एंगल एबीसी का इसका वैल्यू है 90 डिग्री। सो रिटर्न योर एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेगमेंट बीडी देखो क्या है, सेगमेंट बीडी परपेंडिकुलर है एसी को, इसका मतलब इसका वैल्यू भी 90, एंगल बीडीए का वैल्यू 90 एंड एंगल BDC का भी वैल्यू 90 है, बिकॉज BD इज परपेंडिकुलर टू AC एंड A' D' C, यानी तीनों पॉइंट एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में है। वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव? फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDA, अगेन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल BDC एंड द स्मॉल टू स्मॉल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, दे आर ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, हम लोग प्रूव करने का। सो प्रूफ, सो इन प्रूफ फॉर यू राइटिंग इन ट्राइंगल ABC, ABC यानी कौन सा ट्राइंगल हो गया? बड़े ट्राइंगल। सो दिस बिग ट्राइंगल प्लस एंड ट्राइंगल ADB मीन्स ये छोटा वाला ट्राइंगल। बड़ा ट्राइंगल ABC और छोटा ट्राइंगल ADB में कॉमन क्या है? पहला कॉमन है ABC का वैल्यू 90 डिग्री है, वैसे ही ADB एंगल का वैल्यू भी कितना? 90 डिग्री है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। विच ऑफ दिस एंगल? एंगल ABC इज कॉन्गुएंट टू एंगल ADB। आई टोल्ड यू ना ABC मींस B, एंगल इज कॉन्गुएंट टू ADB मींस दिस D, ईच इज मेजरमेंट इज ऑफ 90 डिग्री। सेकेंड कॉमन क्या है? एंगल ADB में ये एंगल A है, और वैसे एंगल ABC में भी एंगल A है, यानी छोटा ट्राइंगल में भी एंगल A आता है, बड़ा ट्राइंगल में भी एंगल A आता है। तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल क्या हो गया? एंगल A। सो रिटर्न योर एंगल BAC, दिस BAC यानी ये एंगल इज कॉन्गुएंट टू एंगल DAB, DAB means this angle. So what I write it down? This will be common angle.
therefore triangle ABC is similar to triangle ADB by AA test of similarity. दोनों ट्राइंगल में अगर हम लोग को सिर्फ दो एंगल भी कॉमन मिल गया, मीन्स बोथ द एंगल्स आर कॉमन टू ईच अदर, देन वी कैन राइट इट डाउन एज व्हाट, AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. सिमिलरिटी हम लोग क्या करेंगे पता है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC. पहले हम लोग ने ट्राइंगल ABC और एक ऊपर वाला ट्राइंगल लिए थे, अभी हम लोग बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल लेंगे नीचे का एंगल. ट्राइंगल BDC में अभी कॉमन क्या आएगा, here will be common angles will be angle C, this will be a common angle, so I can write it down angle triangle ABC में angle C है, और वैसे triangle BDC में भी angle C common angle है. दूसरा क्या आएगा मेरा point, ABC 90 degree है is congruent to BDC 90 degree है, so by AA test of similarity big triangle ABC is similar to small triangle BDC. So from 1 and 2 we are getting what? Both the triangles are congruent to each other, similar to each other. This is now we are going to show it to you on proof now. Now we take triangle ABC, big triangle, and small triangle BDC. So in triangle ABC and BDC, this triangle, what we are getting here? Angle ABC, this angle is congruent to angle BDC, this angle, you can see here, B is of 90 degree and angle D is of 90 degree, I can write it down, each angle is of measurement 90 degree, correct? उसके बाद, angle ACB, बड़ा triangle में, ACB, यानी ये angle हो गया, is equal to angle BCD, छोटा triangle में भी ये angle हो गया, देखो CC common है, तो हमने लिखा यहाँ पे common angle. इसके लिए ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल BDC को, क्यों, AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से. और द कॉन्सेप्ट क्लियर, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, बड़ा ट्राइंगल ABC किसको सिमिलर था, ADB को सिमिलर था. यहाँ पे क्या है, ABC किसको सिमिलर है, BDC को, यानी ABC ये दोनों छोटे ट्राइंगल को सिमिलर है, तो इसका मतलब दोनों छोटा ट्राइंगल भी एक दूसरे को सिमिलर है. सो ट्राइंगल ADB एंड दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, दिस ट्राइंगल फ्रॉम 1 and 2. सो दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड द सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ वी विल सी टू नेक्स्ट थ्योरम.